आज का जो लेक्चर है बेसिकली इस बात पर है कि एरिया जो हम लोग पढ़ते आए हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, किसी भी सरफेस का एरिया के बारे में बात करते थे, उस एरिया को हम अब से यानी कि कुछ आगे अब से सीखेंगे कि वो एक वेक्टर है ना, उसके वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, फिर एरिया कैसे फाइंड करते हैं वेक्टोरियली हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं यही बात कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक आज का है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हुआ कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये सब सपोज करते हैं, इमेजिन करना है रेक्टेंगुलर सरफेस है। अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगा, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगा। तो इसका एरिया हम लोग क्या लिखते थे अभी तक, वो होता था एल इंटू बी, है ना, ये रेक्टेंगल है, समझ में आना चाहिए। ये हम थोड़ा थ्रीडी में दिखाने की कोशिश कर रहे, थोड़ा साइड व्यू करके। तो इसका एरिया क्या बनना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हम यहां पर बोलेंगे कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इसका सरफेस एरिया आएगा, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहला बात सीखते हैं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। हम धीरे धीरे करके इस चीज को रिवील करेंगे। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं ना, बार से दिखा दे मैग्नीट्यूड मतलब कितना है एरिया। तो क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। यहाँ पर जो इसका साइड का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहा है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब यहां से अगर हम दिखाएं तो ये थोड़ा यहाँ पर छोटा हो गया, अगर हम इस एरिया को हम थोड़ा ऐसे करके दिखा रहे हैं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिख रहा है सरफेस। सपोज करते हैं मेरे पास एक सरफेस दिख रहा है, ठीक है, यही है सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर या परपेंडिकुलर इधर, दोनों साइड परपेंडिकुलर हो सकता है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर इधर भी परपेंडिकुलर हो गया और इधर की तरफ परपेंडिकुलर हो गया, तो इधर की तरफ डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं इसका। तो डायरेक्शन क्या हो गया, एरिया वेक्टर का कैप क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। कोई दिक्कत है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एरिया लिखना चाहते हैं एक एक करके सीख रहे हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्सिस में हम लोगों ने एक एरिया इंट्रोड्यूस किया है, ये रहा हमारा एरिया जिसका लेंथ यहां से मान लेते हैं कि 2 मीटर का है और ये भी इधर भी 2 मीटर का है, यानी कहीं ना कहीं एक स्क्वायर एरिया हम बना रहे हैं यहां पर। तो इसका हमको एरिया वेक्टर लिखना है। तो भाई मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा हो जाएगा, लेंथ दिख रहा है 2, ब्रेथ दिख रहा है 2, तो भाई इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, 2 × 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर एरिया तो आ चुका है, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं इसका डायरेक्शन कितना है, तो डायरेक्शन क्या होगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ, और ये किस डायरेक्शन में है, देखो तो वाई के डायरेक्शन में है, यानी कि जे कैप हो गया, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ए कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, जे कैप। इसका मतलब अगर हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 j कैप, है ना, 4 या फिर मीटर स्क्वायर जे कैप, 4 मीटर स्क्वायर जे कैप। अब ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया हमारा
इस एरिया के बारे में। जे कैप भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ माइनस जे कैप भी लिख सकते हैं, नीचे भी तो एरिया वेक्टर लिख सकते हैं ना ऐसे करके। ये हो गया जे कैप और ये हो गया हमारे पास माइनस में जे कैप, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं माइनस में 4 मीटर स्क्वायर और ये रहा जे कैप, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अगर ओपन सरफेस है दोनों साइड चलेगा। क्लियर हो गया बात, छाप लो अभी करके आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह से मेरे पास एक सरफेस कुछ यू दिया हुआ है, इसके बारे में बताना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसका कि लेंथ दिया है, मान लेते हैं ये रहा ए और ये भी रहा ए। अब हम चाहते हैं इसका एरिया बताओ क्या हो जाएगा, है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं, सीधे सीधे लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया 2, ब्रेथ हो गया 2, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन किधर, तो सरफेस का परपेंडिकुलर, देखो ये सरफेस है और ये जेड एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस किधर की तरफ, इधर थोड़ा है, ये जेड एक्सिस का मतलब क्या हो गया, सरफेस से इस सरफेस से इधर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस हमारा इधर की तरफ बाहर की तरफ, ये जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज इट ओके, यानी कि के कैप के डायरेक्शन में हो गया ना, ये हो गया के कैप के डायरेक्शन में, दोनों से होगा, माइनस में भी के कैप होगा और प्लस में भी के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत है। सिमिलरली अगर हम इस तरह से देखें, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया ए, अब हमको बताओ इसके एरिया के बारे में क्या होगा कहानी, एरिया तो वही हो जाएगा ए इंटू ए, है ना, एरिया बेटर आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और एरिया बेटर परपेंडिकुलरली इधर की तरफ दिख रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, ये कैप इस, ये ऐसे है, देखो ये ऐसे एरिया है, इसका जो परपेंडिकुलर सरफेस किधर बनेगा, इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है डायरेक्शन, तो सरफेस इधर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो गया, एरिया वेक्टर इधर की तरफ बना, तो एरिया वेक्टर हमारा किधर की तरफ लिखाएगा, इधर की तरफ, ये बेसिकली हो गया आई कैप के डायरेक्शन। आगे समझ में पूरा अच्छा से, अगर उसी तरह से एक और हम लिख लेते हैं, है ना, यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है 7 मीटर, ये एक्स वाई प्लेन में है, या चलो एक्स जेड प्लेन में मान लेते हैं, और ये वाई हो गया, कह रहा है इसका एरिया बताओ किधर की तरफ होगा, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर इनटू डायरेक्शन किधर की तरफ, आई कैप के तरफ में, क्योंकि इस बार हम इधर वाई ले लिए हैं, देख लो ध्यान से, वाई भी आइडेंटिफाई करना है, वाई किधर की तरफ है ये भी देखना है ध्यान से, तो ये 7 का स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि जे कैप के डायरेक्शन में हो गया, यानी कि हो जाएगा 7 से 49 पाई, है ना, तो 49 पाई जे कैप के डायरेक्शन में ये आ चुका है। होप करते हैं एरिया वेक्टर लिखने के लिए आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत है, कॉपी कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक टॉपिक आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये क्या होता है, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और ये एज्यूम कर लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं दो वेक्टर के साथ में, है ना, ये थीटा एंगल पर अगर है तो बना, नहीं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास, इस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ, ये पे जो हाँ ठीक, ए बी वेक्टर क्रॉस में ए सी वेक्टर के रूप में, ए बी को अगर हम ए सी से क्रॉस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या सीखे थे याद है, बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, बेस इंटू हाइट पढ़ते थे क्या, अगर ना बेस इंटू हाइट, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताते, बेस इंटू हाइट, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है ऐसे करके, तो इसका बेस अगर ये है और इसका हाइट ये है, अरे बस समझ, तो देखो ये ए बी है क्या,
ध्यान से देखो, तो ये भी है क्या, है ना। और ये रहा हमारा एसी। अगर हम इसका हाइट लिखना चाहते तो ये होगा हाइट, यानी कि इसका दोनों पैरेलल साइड का जो बीच का जो लेंथ आ रहा है वो ये आ रहा है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये अगर एसी है तो ये एसी का कॉस थीटा बनेगा और ये क्या बनेगा, एसी का साइन थीटा बनेगा। अरे बस समझ में। और अगर ये एसी का साइन थीटा बन रहा है तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से लिखे क्या लिखेंगे, ए बी इंटू, है ना, ए बी का मॉड्यूलस इंटू ए सी का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा। याद है ना क्रॉस में कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है ना, तो ये ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए सी साइन थीटा क्या आ रहा है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम नहीं आ रहा है क्या, और ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है क्या, दिस इज योर बेस और दिस इज योर हाइट। कहना तुम यही चाह रहे थे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए सी। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है बेसिकली वो ये है। अरे बस इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, देख लो ए बी क्रॉस ए सी यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर भी आ रहा है, यानी डायरेक्शन भी बता रहा है इधर की तरफ है। या फिर अगर हम ए सी क्रॉस ए बी करेंगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बात को भी प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी पैरेललोग्राम दे रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, इसलिए क्या बन गया, वेक्टर बन गया। यानी कि अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना चाहते तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि इसके बेस को इस वेक्टर से इस वेक्टर को क्रॉस कर देंगे तो हमको पैरेललोग्राम आ जाएगा, कोई दिक्कत है, कॉपी कर लो। अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास सिमिलरली उसी तरह से एक ए बी वेक्टर है और ये रहा हमारे पास एक ए सी वेक्टर है, अरे बस सुन, दो वेक्टर दिया हुआ तो हम इस दोनों से एक ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता था ना, पैरेललोग्राम का एरिया का जस्ट आधा। याद आया नहीं आया, चलो ठीक है फिर से देख लेते हैं। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनता था, अगर सपोज करते कि मेरे पास कोई समथिंग लाइक दिस है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका बेस ये है, इसका हाइट ये होता था, इसका एरिया क्या लिखते थे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लिखते थे, पढ़ते ना। अगर हम यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगा पाए तो देखते क्या हो सकता है। अगर ये थीटा है और ये एक दो वेक्टर हमको दिया हुआ, ये दोनों वेक्टर, और हम तीसरा को हम यहां से मिला देना चाहते हैं, तो हम इसको बेस समझना चाहते हैं। अगर ये एसी है तो इसका जो हाइट बनेगा, इस हाइट का लेंथ क्या हो जाएगा, एसी साइन थीटा नहीं आ जाएगा, देखो आ गया बेस इनटू हाइट, तो यानी कि इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू दिस हाइट, यानी कि क्या आ रहा है, हाफ ऑफ ए बी का मॉड्यूलस इनटू एसी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर, और इससे हमको डायरेक्शन ही मिल रहा है ए बी क्रॉस एसी, देख लो। आगे समझ में, चलो कुछ सवाल करते हैं फटाफट, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हूज साइड फॉर्म्स बाय आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड दिया हुआ है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसके पास दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, है ना, लेट कर लेते हैं इसको, हम ए वेक्टर कर लेते हैं क्या, ये हो गया i कैप प्लस टू जे कैप माइनस में थ्री के कैप, ये एक वेक्टर दिख रहा है जो कि यहां पर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर यहां दिया है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा b वेक्टर जिसका वैल्यू है थ्री आई कैप, ये थ्री है आई कैप प्लस में फोर जे कैप माइनस में के कैप। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनता है,
दोनों का क्रॉस कर देंगे, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। क्या बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग सीखे हुए थे, याद है ना कैसे बनाते थे, आई वेक्टर आई कैप प्लस में टू जे कैप माइनस थ्री के कैप को हमको क्रॉस करवा देने हैं थ्री आई कैप प्लस में फोर जे कैप माइनस में के कैप से। और इसको क्रॉस करवाने का क्या क्या तरीका होता था भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इंटू आई जीरो आ जाएगा ना, इस दोनों को कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है ना करवाने के, चलो करते हैं वन इंटू फोर, या तो डिटर्मिनेंट मेथड हमको सबसे ज्यादा पसंद है ये आई जे के फिर आई और यहां पर जे लिख दो, ठीक है, और यहां पर लिखो वन, यहां पर लिखो टू, यहां पर लिखो माइनस थ्री, फिर इसके वैल्यूज को लिखो थ्री फोर माइनस वन, और इस दोनों को फिर से रिपीट कर लो वन टू थ्री फोर, और इसको फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करना है ऐसे डायगोनली, तो क्या हो गया माइनस टू आई कैप हो गया, क्या सॉल्व करेंगे तो माइनस में टू आई कैप, फिर इसको डायगोनली करेंगे थ्री थ्री जा नाइन, यानी कि माइनस में नाइन जे कैप हो रहा है, फिर यहाँ फोर वन जा फोर के कैप है ना प्लस में फोर के कैप, उसी तरह से आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, लेकिन जब ऐसे करने लगेंगे तो माइनस में लिखेंगे सबको, थ्री टू जा सिक्स के कैप हो जाएगा तो माइनस में सिक्स के कैप, फोर थ्री या ट्वेल्व आ रहा है माइनस में ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व आई कैप, और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है यानी प्लस में जे कैप हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई कैप यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि हमारे पास टेन आई कैप तो आ ही रहा है, नाइन जे कैप यहाँ दिख रहा है यहाँ पर भी जे कैप दिख रहा है, यानी कि माइनस में एट जे कैप दिख रहा है, और फोर में से टू चला गया तो यानी कि माइनस में टू के कैप हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमको एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा इसका, ये जो पैरेललोग्राम बना रहा होगा यहाँ पर, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका रूट ओवर टेन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि हंड्रेड एंड सिक्सटी एट और फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी टू रूट ओवर वन हंड्रेड सेवेंटी सॉरी 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 68 168 है ना, ये आ जाएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम इसी में एक सवाल करते फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम क्या करते सेम सवाल आता, सेम चीज कर रहे होते, सेम सब कर रहे होते, बस इसका क्या होता पैरेललोग्राम का आधा हो जाता। तो पहला बात तो यहीं पर नोट करके याद कर लेना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है ना, अगर हम इसी में कहते हैं कि इसी ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का नहीं सॉरी इस वाले वेक्टर के कारण जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो सेम का आधा यानी कि बाय टू आ जाएगा। अरे बस समझ में आ गया, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास इस तरह से कंडीशन दिया हुआ, ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, इमेजिन करना है, ये दिया है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट दिया है हमको ए, ठीक है, और ये दिया है हमको एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, y कोऑर्डिनेट जीरो, z कोऑर्डिनेट a है, और ये a a a दिया हुआ है, ठीक है, इसमें x का नहीं है y है और z का कोऑर्डिनेट नहीं है, और ये ऑलरेडी जीरो 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 पर यूनिक ओरिजिन पर है। अब इमेजिन करो ये पिक्चर हम बनाए कैसे हैं, x एक्सिस इधर दिख रहा है, y एक्सिस इधर दिख रहा है, z एक्सिस से दिख रहा है, इसका मतलब इमेजिन करना यहाँ पर देखो ये रहा x एक्स, ये रहा सॉरी y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस दिख रहा है, देखो ये दिखा ना y एक्सिस ऐसे, और ये हो गया x एक्सिस हो गया ना, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। अब कमाल का बात ये है कि अगर ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है, तो इसी पर हमने एक ये लाइन ड्रॉ किया था, ये लाइन दिख रहा है इसी पर, और ये जो ऊपर का ड्रॉ है ये थोड़ा ऐसे है, ऐसे थोड़ा तिरछा है ना ऐसे, अरे वो सुन ये देखो,
अगर मान लो कि ये हमारा नीचे का सरफेस ये वाई है और ये एज्यूम करो कि एक्स है, सॉरी ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से है ऐसे, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है हमारा ए ए ए पॉइंट पर है ये, अब आ रही बात सुन, तो हमको कह रहा है इसका एरिया वेक्टर लिख करके दिखाओ कितना होगा, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, यानी कि थोड़ा ये ऐसे देखो, ये पहले अभी हम लोग ऐसे लेते थे ना, ये थोड़ा ऐसे बाहर ऐसे निकला हुआ, ठीक है, किसी एंगल पर ऐसे है, तो हमको इसका एरिया वेक्टर निकालना कितना होगा। सिंपल है, बस दो वेक्टर उठा लो मेरा काम बन जाएगा। एक वेक्टर को हम कर देते हैं ये हमारा, इस पॉइंट को हम कर देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, तो ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी वेक्टर, इस दोनों क्रॉस कर देंगे मेरा काम बन जाएगा। अरे बस देखो ओ ए अगर दो साइड लेना था, या फिर तुम जो भी मर्जी आए, ये साइड उठा लो, ये साइड उठा लो, कोई भी दो साइड उठा लो, उससे हमको एक तो भाई दो साइड मिल जाएगा और दोनों साइड को क्रॉस करवा देंगे तो हमको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने अभी इस वेक्टर को उठाया, ये वाला बेस को उठाया ऐसे और एक ऐसे उठाया, तो हम बात कर रहे हैं ओए वेक्टर के बारे में। ओए वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स तो है नहीं यहाँ पर, देखो ना है, ये तो पूरा का पूरा बेस जीरो है, तो इसलिए एक्स नहीं है, वाई में जे ए जे कैप हो जाएगा ना, ए जे कैप, क्योंकि जेड भी नहीं इसके पास। इसके पास क्या क्या है देखो, तो ओ बी वेक्टर के पास ए है, ए आई कैप और ए के कैप भी है, ए है जेड में है ना, ये वाला नहीं है, वाई वाला नहीं है, अब इस दोनों क्रॉस करवा देना है, मेरा काम बन गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर क्रॉस में ओ बी वेक्टर, अब इस दोनों क्रॉस करवा देंगे तो a इंटू ए स्क्वायर और j इंटू आई क्या हो जाता है, माइनस में k कैप हो जाता है, तो माइनस में k कैप प्लस a इंटू ए स्क्वायर j इंटू के आई क्या i कैप हो जाएगा इसका, यानी हो जाएगा a स्क्वायर i कैप माइनस में a स्क्वायर k कैप। आ रही बात समझ, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट ओवर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ ए पावर फोर, मतलब ए स्क्वायर रूट टू इज योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन हम इस मैग्नीट्यूड को इसे डिवाइड कर दे डायरेक्शन आ जाएगा एक, अरे डायरेक्शन क्या होता है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय एरिया का डायरेक्शन, तो वेक्टर पता है मैग्नीट्यूड पता है दोनों को डिवाइड करते हैं डायरेक्शन आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो छापो से। उम्मीद करते हैं अब तक एरिया वेक्टर लिखने के लिए आ गया होगा, अब एरिया के टाइप्स समझते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरियाज है ना, दो होते हैं ऐसा लगा था ना, बहुत सारा होता है। पहला होता है ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस है ना, या क्लोज सरफेस, ठीक है, ओपन सरफेस या फिर क्लोज सरफेस। तो पहले बार हम बात करते हैं ओपन सरफेस के लिए, फॉर ओपन सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। ये वही हिसाब किताब डायलॉग जो पीछे से भी पढ़ते आ रहे थे इतना देर से। अगर मेरे पास कोई भी एक एरिया है, इसका सरफेस का वेक्टर किधर की तरफ, इधर या इधर, कोई मैटर नहीं करता किधर की तरफ, हम बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, और हुज मैग्नीट्यूड इज द सरफेस एरिया है ना, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय
सरफेस एरिया, ठीक है। अगर कोई ओपन सरफेस है तो हम ऐसे सीख सकते हैं, यहाँ पर एरिया वेक्टर दोनों साइड हो जाता है, लेकिन क्लोज सरफेस वाले में मामला फंसेगा, ठीक है। तो पहले इसको छाप लो, क्योंकि इधर ट्यूबलाइट वगैरह जा रहे हो तो दिक्कत है, पहले छाप लो इसको। जो सेकेंड नंबर में हमारा ओपन सरफेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट था जिसके लिए हम लोग आज सरफेस एरिया को सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, अगर हमारे पास यही सपोज करो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो हमको इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखना है। तो हम एक काम करेंगे, इस क्लोज सरफेस से हम हर समय एरिया जो लिखेंगे वो हर समय आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया ही बनने वाला है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो हमारा हर समय आउटवर्ड होगा। और अगर क्लोज सरफेस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर देखो कोई इरेगुलर सरफेस है तो इसका तो हमको डायरेक्शन तो पता चलेगा नहीं, कि हर एक छोटे छोटे सेक्शन के बारे में सोच के देखो, इतना सारा सेक्शन के बारे में सोचेंगे, इसका डायरेक्शन का परपेंडिकुलर अगर हम आउटवर्ड बनाएंगे इतना सा बनना पड़ेगा इसे, और इधर में अगर हम सेक्शन काट देंगे तो इसका एरिया इधर की तरफ बनेगा। अरे बस यहाँ पर अगर हम सेक्शन काटेंगे, क्योंकि सपोज करो फुला हुआ है, इधर से ऐसे फुला हुआ है, इधर वाला सेक्शन का इधर एरिया बनेगा, यहाँ वाला किधर बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ वाला किधर बनेगा परपेंडिकुलर, है ना। तो हर एक सेक्शन के लिए हमको छोटा छोटा, तब हमको लिखना पड़ेगा डी ए वेक्टर को ऐसे, अरे सुन, छोटा छोटा डी ए वेक्टर लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, ये तो होना है। अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक सरफेस दे दिया, एक क्यूब बना दिया गया ऐसे, ठीक है। अब इस क्यूब के बारे में बात करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो अगर हम इस सरफेस के बारे में बात करते हैं तो इस बार ये जो फ्लैट सरफेस है इसका, इसके अंदर में एरिया वेक्टर लिख सकते हैं क्या, नहीं। ये जो क्लोज सरफेस है इसके अर्थ में बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। अब हर समय ऐसे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर इस सरफेस, इसका सरफेस एरिया लिखेंगे, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम इस सरफेस के बारे में बात करें, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के बाहर ऐसे, इसके बारे में बाहर बारे में बात करें तो ऐसे हो जाएगा, इस वाले के बारे में बात करें ऐसे हो जाएगा। अरे बस अगर हम इस वाले के बारे में बात करें तो ये सरफेस एरिया वेक्टर को वैसे लिखना पड़ेगा इस पीछे वाले के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत है। इस वाले के बारे में आगे, इस वाले के बारे में पीछे बात करना पड़ेगा ऐसे, है ना, उस वाले के बारे में ऐसे पीछे बात करना पड़ेगा एरिया वेक्टर पीछे वाले के बारे में। समझ में आ गया बात। तो हर एक का, यानी कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हर समय सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यही था हमारा क्लोज सरफेस के मामले में पूरा डिस्कशन। कोई दिक्कत है? बाकी एरिया तो समझ में आता है, ये उसका सरफेस एरिया होगा, हम लोग को डायरेक्शन समझना था कहां पर इसका स्टडी होना है। कोई दिक्कत है? अब इसका पूरा जो स्टोरी लाइन है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका यूज करते हैं खूब सारा, ठीक है। बिना इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों एक चांद दो प्राण टाइप का चीज है ना। दूसरा, अगला टॉपिक इसके बाद है सॉलिड एंगल। हम लोग प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते थे, याद है, पहले सो छाप लो पूरा, अभी हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने जब 11th में इंट्री किया था तो उस टाइम पे एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, पहला ही चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। और उस चैप्टर में जो सबसे थोड़ा थोड़ा डिस्कशंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट में भी SI यूनिट के बारे में, और SI यूनिट में 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स थे, और दो नीचे में भी रहता था ऐसे करके ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।
आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारा प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल इसका लिखाया गया था यूनिट क्या था, रेडियन। क्या होता है इसका, रेडियन। ठीक है, ये क्या होता है, सपोज करते हैं हमने एक पॉइंट मान लिया और यहां से किसी आर डिस्टेंस का हमने एक है ना ये ओरिजिन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं कुछ पॉइंट ए। ठीक है, आर डिस्टेंस का हमने एक वेक्टर एज्यूम किया है और इस आर को हमने कुछ एंगल से ऐसे करके घुमा दिया इसको, है ना, ऐसे आर रेडियस का, है ना, आर रेडियस का एक एंगल हम आगे सबटेंड कर देना चाहते हैं। तो ये भी बन गया आर वेक्टर और ये हो गया थीटा। तो इसने इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कहीं ना कहीं देखो अगर ये बी बन गया तो ये जो बन रहा है ये इसको हम कहते हैं आर्क ए बी, कहते हैं क्या, आर्क ए बी। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो बनता है यानी कि प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, बेसिकली प्लेन एंगल बन रहा है। तो प्लेन एंगल जो बनता है ये होता है हमारा आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह से कॉन्सेप्ट में लाते हैं। अगर इसका लेंथ मान लेते हैं एल है तो थीटा जो होता है वो हमारा एल अपॉन आर आ जाता था। ठीक है, इतना रेडियन, ये सब रेडियन में, डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। कोई दिक्कत है किसमें, ये रेडियन में है। समझ में आ रहा बात। अगर हम वही कर दे कि अगर हमारे पास इसी तरह से करके एकदम छोटा सा एंगल बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं डी थीटा और ये है हमारा डी एल आर्क लेंथ और ये जो रेडियस है हमारा आर है, तो यहां से क्या बोलेंगे, छोटा सा जो एंगल बन रहा है डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस यानी कि डी एल अपॉन आर, जिससे कि हम यहां से निकाल सकते थे, खूब यूज करते हैं इसको, डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हम लोग खूब यूज करते थे। ये सब कहानी था हमारा प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारा स्टडी आज का जो है वो हमारा सॉलिड एंगल के बारे में, जो नया है हम लोग के लिए। ठीक है, हम उस पर स्टडी करने वाले हैं। इस पर तो खूब सारा स्टडी करते हैं, इस पर हमको कोई मतलब नहीं है बात करना, कॉपी कर लो, सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं। सॉलिड एंगल इसका यूनिट जो होता है ये होता है स्टे रेडियन, पढ़े देना स्टे रेडियन। ठीक है, अब ये क्या होता है, सपोज करते हैं मेरे पास कोई, सब कोई कोन तो खाया होगा ना, वो सॉफ्टी वाला कोन। ठीक है, तो उस कोन को ही अगर हम देखें, एनालाइज करें, यही कोन है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर कोई सॉलिड टाइप का कोन नहीं बनता है क्या, ऐसा नहीं होता इस तरह का कुछ है गोल गोल टाइप का इस। ठीक है, और अगर हम इसके एरिया को बढ़ा देंगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ऐसे एरिया छोटा कर देंगे ऐसे हो जाएगा फ्लैट टाइप का, है ना, जितना खुल जाए ऐसे हो जाएगा ऐसे। ये देखो कुछ बीच में जो है ना एक बड़ा हो रहा है ना, ये जो सॉलिड एंगल जो बन रहा है इसी बोलते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल जो बन रहा है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से नोट करते हैं और ये इस तरह से कॉन्सेप्टलाइज होता है कि इसका मान लेते हैं एरिया है ए और रेडियस है आर, तो सॉलिड एंगल कैसे कॉन्सेप्टलाइज होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर यहां पर ये बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा और एनालाइज करना चाहते हैं तो हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास एक एरिया बनाया गया ऐसे, तो देख लो यहां पर कोई दिक्कत है, तो ये जो एरिया बन रहा है यहां पर देख लो ध्यान से हम सही से। ठीक है, तो ये जो एरिया बन रहा है हम इसको कह रहे हैं छोटा सा एरिया डी ए और ये जो रेडियस आर है इसका हम यहां पर एनालाइज करो कि छोटा सा एक एंगल बन रहा है क्या, हम इसी कह रहे हैं ओमेगा, ओमेगा सॉलिड एंगल को ओमेगा से नोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये जिस भी तरह का एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया था, यहाँ पर देख लो रेक्टेंगुलर एरिया है, थोड़ा फुला फुला टाइप का, जैसा भी एरिया हो, सपोज कर देंगे अगर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है उसने भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल बनाना है,
ये जो ओमेगा आ रहा है, अगेन सॉलिड एंगल ही है, हम इसके ही बारे में बात कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत है? सॉलिड एंगल दिख गया सबको, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो और थोड़ा ध्यान देखना आप, कि सपोज करते हैं मेरे पास इस तरह का एरिया दे दिया गया है, तो हम जानते हैं ये एरिया थोड़ा थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। तो जानते हैं सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनता है वो तो ऐसे बनता है, टी ए वेक्टर, ऐसे छोटा सा एरिया जो भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, डीए का कॉस थीटा, ठीक है। तो डीए का कॉस थीटा बन रहा है, ये डीए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला एरिया, हमको हर समय चाहिए ये परपेंडिकुलर एरिया, मतलब इससे लगेगा ना सीधा फ्लैट एरिया, ठीक है ये, या फिर ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए वो सीधा सीधी इसके रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब जो ओमेगा बनेगा वो क्या बनेगा, इसका एरिया यानी कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन इस ओमेगा का, और इसका यूनिट हो जाएगा अगेन इंस्टेंट रेडियन। अब थोड़ा रिलेशन वगैरह भी देखेंगे, पहले तो कॉपी कर लो, समझ में आ गया सॉलिड एंगल क्या है, सॉफ्टी का कोन का वो जो भी एंगल बन रहा है वो ये बीच में सेंटर के पास, ठीक है, छाप लो। रिलेशन ऑफ सॉलिड एंगल विथ प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल के साथ में क्या रिलेशन है, हम यही सीखने वाले हैं। अब जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेशन का बात, हम आज इस सेशन को क्यों स्पेशली अलग से बनाए हैं ये वीडियो, ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का एक एरिया दिया हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसके सेंटर पर जो भी एक देख लो सेमी सॉरी ये सेक्टर टाइप का नहीं दिख रहा कि ये सॉलिड है, सॉलिड का जो भी बनेगा हेमी स्फेयर तो नहीं है, हेमी स्फेयर का सेक्शन है ये छोटा सा, उसने इसके सेंटर पर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं इसका सेमी वर्टिकल एंगल को हम कह रहे हैं अल्फा, ठीक है। ये देख लो इस तरह कुछ बना हुआ है, ठीक है ठीक है, ये कटोरी टाइप का है ऐसा, ठीक है। अब इसका ये सेंटर हो गया, तो हम जानना चाहते हैं यहां पर कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है, जबकि अल्फा जो है इसका सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल एंगल क्या पूरा का पूरा इसका आधा, सेमी वर्टिकल एंगल को बोलते हैं अल्फा आधा, है ना। लेट अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। हम इसका ओमेगा निकालना चाहते हैं, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, आर तो पता है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा ये सवाल है, ये बात याद रखना है कि ये पूरा का पूरा हेमीस्फीयर नहीं है, हेमीस्फीयर होता तो ये चीज यहां तक आता क्योंकि ये सेंटर है हमारा, तो हमको इस वाले टोपी का टाइप का जो भी बना हुआ है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो छोटा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल लगेगा, है ना, कोई दिक्कत, कॉपी कर लो इसको, ये पिक्चर दिख गया सबको अच्छा से, ठीक है। हम थोड़ा उसमें सेक्शन काट लेते हैं छोटा छोटा, हम उससे ही कर बात करेंगे। हमने मान लिया एक छोटा सेशन ऐसे काट लिया, ये दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो एक इस तरह से एरिया कटेगा और इसका यहां पर, ठीक है, हम इरेज कर दे रहे हैं पिक्चर को, फिर से बना देते हैं, ठीक है, ये पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, जल्दी इसको कॉपी करो, ठीक है, अच्छा नहीं तो नहीं देता, इसको यहां पर नहीं कर रहे, फिर से, ठीक है।
सेंटर ये हो गया ऐसे, तो यहां पर हम ऐसे काट दिए, ठीक है ऐसे। तो अगर ये रेडियस आर है और हम किसी थीटा एंगल पर एक छोटा सेक्शन काट रहे हैं, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा नहीं बनेगा, क्योंकि ये एंगल हमारा डी थीटा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन काटे हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सर्कुलर सेक्शन दिखेगा ऐसा। इसका विड्थ कितना दिख रहा है, आर डी थीटा दिख रहा है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हमको इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये अगर आर है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा ये तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो लेंथ बनेगा ये आर साइन थीटा बनेगा, ठीक है। ये जो लेंथ बनेगा ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा, जो कि इसका रेडियस हो जाएगा। तो इस वाले छोटे सेक्शन का एरिया क्या बनेगा, डी ए, जिसको हम कह सकते हैं डी ए बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर इंटू विड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा टू पाई, रेडियस तो दिख रहा है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू विड्थ क्या हो गया आर डी थीटा, ये हो गया इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया। हमको इसका नेट एरिया निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टू पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू देखो जीरो से लेकर के पूरा का पूरा अल्फा तक है क्या, ये एंगल भी इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, तो जीरो से लेकर के अल्फा तक चलेगा ये बात। तो टू पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस थीटा जीरो से लेकर के अल्फा तक, तो यहां सॉल्व करेंगे तो टू पाई आर स्क्वायर वन माइनस में कॉस अल्फा दिख रहा है, यहां से कॉस अल्फा पुट करोगे तो माइनस में अल्फा आ जाएगा, जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो का वैल्यू वन जाता है, तो वन माइनस में कॉस अल्फा हो गया एरिया का वैल्यू। अगर हम यहां से ओमेगा के बारे में बात करें क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, तो टू पाई वन माइनस में कॉस अल्फा हो गया ई ओमेगा। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाले, और इसी के लिए आज का पूरा वीडियो था कि जो ओमेगा आ रहा है जो सॉलिड एंगल है उसका सेमी वर्टिकल एंगल के साथ में किस तरह से रिलेशन है, टू पाई टाइम्स ऑफ वन माइनस में कॉस अल्फा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं हम लोगों ने, जो भी इस तरह का एक हेमी स्फेयर नहीं है, जो भी एक सॉलिड टाइप का जो भी एरिया बनेगा, थोड़ा फ्लैट एरिया ऐसे बनेगा, फ्लैट तो नहीं है, जो भी एरिया है, तो इसका एरिया हमने निकाला इंटीग्रेट करके, और उसको हमने बस आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमको ओमेगा आ गया, मजा आ गया। ओमेगा का रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं अब अल्फा के साथ में, अगर सेमी वर्टिकल एंगल अगर हमको अल्फा पता हो तो हम अल्फा पता कर सकते हैं, ना ओमेगा पता कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा छोटा स्ट्रिप काटा, और इस स्ट्रिप को यहां से, है ना, यहां से देखो अगर कटना स्टार्ट करेगा तो स्ट्रिप कैसे कटेगा भाई, ये स्ट्रिप यहां से कटना स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, कटते 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 लास्ट में यहां जाएगा, सारे का एरिया हम जोड़ दिए, तो सारा का एरिया हम ऐसे जोड़ सकते हैं ना, टू पाई आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा इनटू डी थीटा, सबका इंटीग्रेशन करके हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। कॉपी करो इसका, यूज करते हैं अब थोड़ा। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि जो ओमेगा आ रहा था ये था टू पाई टाइम्स ऑफ वन माइनस में कॉस थीटा, यह था ओमेगा, यानी कि ओमेगा का फाइ के साथ में, सॉरी यहां पर अल्फा लिखे थे, ठीक है, कॉस थीटा अल्फा जो भी है, और अल्फा क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब हम दो कंडीशन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, हम जानना चाहते हैं हेमिस्फेयर सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, हेमिस्फेयर सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसके लिए अगर हम ये चीज जानना चाहेंगे कि इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री पता है ना, 90 डिग्री बनाता है, तो बता दो यहां पर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पाई वन माइनस में कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी कि टू पाई स्टे रेडियन, है ना, ऐसा देखो सेमी सर्कल जो होता है वो सेंटर पर बनाता है पाई रेडियन, जबकि हेमिस्फेयर सेंटर पर टू पाई स्टे रेडियन बनाता है, टू पाई स्टे रेडियन बनाता है हेमिस्फेयर सेंटर पर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मेरे पास
कंप्लीट एक स्फेयर है, तो कंप्लीट स्फेयर है ना, फॉर फुल स्फेयर ओमेगा का वैल्यू क्या जाएगा, 2 पाई 1 माइनस में कॉस 360 डिग्री का आधा, हमारे समय आधा लिख रहे हैं, सेमी वर्टिकल मतलब जो भी एंगल आ रहा है उसका आधा, सेंटर पर जितना भी एंगल बन रहा है उसका आधा के बारे में बात करती है, जगह कॉस वर्टिकल 1 माइनस 1 हो जाता है क्या, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन एसआर, यानी कि हेमिस्फीयर के सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है ये याद रख लो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में, ठीक है। ये कम्प्लीटली एक छोटा सा ब्रीज वीडियो कह सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा मैथमेटिक्स का कोलेबरेशन होगा, ठीक है, नए चीज़ों का इंट्रोडक्शन है, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बाय।